नमस्कार, एबीपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं अवधेश। 4 बजे की बड़ी खबरों को बताएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। जूनियर पवार का पावर गेम। शिवसेना तोड़ने के बाद से उसके पास जो शिवसेना का वोट आना चाहिए, जो मराठी भाषियों का वोट आना चाहिए, वो वोट आता नहीं दिख रहा है। यहाँ सभी लोग बीमार हैं। बादल फाड़ तबाही, सिक्किम में त्राही त्राही। देश दुनिया की 40 खबरों के बाद वक्त है बड़ी खबरों की डिटेल से पड़ताल का। आज की पहली खबर है जिसमें बात होगी महाराष्ट्र की सियासत के बारे में। जूनियर पवार एक बार फिर क्या खेल करने वाले हैं, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। खबर है कि अजीत पवार नाराज चल रहे हैं। और दूसरी खबर में हम बात करेंगे सिक्किम की, जहां पर सैलाबी सितम आया है। आपको बताएंगे कि उत्तरी सिक्किम में बादल फटने के बाद क्या हालात वहां पर बने हैं। तो महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर बात करते हैं। मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह जुड़ गए हैं, साथ ही दिल्ली से हमारे सहयोगी नीरज पांडे हैं, उनसे भी समझेंगे अजीत पवार का पावर गेम और सिक्किम के हालात पर अपडेट लेंगे अपनी सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल से, जो हमारे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर अजीत पवार की नाराजगी के बीच बड़ी खबर आ रही है। पुणे के गार्जियन मिनिस्टर बना दिए गए हैं अजीत पवार। 12 जिलों में गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई है। कल कैबिनेट की बैठक में अजीत पवार नहीं पहुंचे थे और ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद ये उनकी नाराजगी है और नाराजगी इस तरीके से अजीत पवार ने जाहिर की है। लेकिन आज बड़ी खबर यह है कि पुणे के गार्जियन मिनिस्टर अजीत पवार को बनाया गया है। 12 जिलों में गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की गई, जिसमें से पुणे की जिम्मेदारी अजीत पवार को दी गई है। तो अजीत पवार नाराज हैं, ये क्यों कहा जा रहा है ये समझना बेहद जरूरी है। उनके इशारों को समझते हैं, इशारे किस तरीके आ रहे हैं, इशारों को समझें अगर तो देखिए, कैबिनेट मीटिंग से उन्होंने दूरी बना ली। पार्टी की बैठक में शामिल हुए लेकिन कैबिनेट मीटिंग के लिए कहा था कि तबीयत ठीक नहीं है। शिंदे फडणवीस के साथ दिल्ली नहीं आए थे अजीत पवार और इसके साथ ही साथ अमित शाह की अगवानी भी उन्होंने नहीं की थी महाराष्ट्र दौरे के दौरान। और ये बयान भी उन्होंने दे दिया था कि पता नहीं मंत्रिमंडल में मैं रहूंगा या नहीं। तो ये जो इशारे हैं, 5 इशारे जो मिल रहे हैं, इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म है कि क्या अजीत पवार नाराज चल रहे हैं। हम सीधे रुख करते हैं महाराष्ट्र का, मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, ये जो नाराजगी के कयास लगाए जा रहे हैं और जो खबर आई है कि उनको गार्जियन मिनिस्टर नियुक्त किया गया है पुणे का, क्या ये डैमेज कंट्रोल है नाराजगी के बाद का? देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार के हमने 5 कारण बताए कि किस प्रकार से संकेत दे रहे थे अजीत पवार कि वो नाराज हैं, और कहीं ना कहीं ये डैमेज कंट्रोल एक कोशिश के तौर पर हम कह सकते हैं। उसकी वजह भी है जो मैं आपको कुछ समय बाद बताऊंगा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आखिरकार अजीत पवार ऐसा क्यों कर रहे हैं। अजीत पवार प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, जिस शर्त पर उनको इस गठबंधन में लाया गया था और आगे की रणनीति के हिसाब से लाया गया था कि हम लोकसभा विधानसभा साथ में लड़ेंगे, हम एनडीए का हिस्सा होंगे, केंद्र में हमारी भागीदारी होगी, जिन शर्तों के साथ अजीत पवार को लाया गया था, अजीत पवार चाहते हैं कि उस पर वादे पर अमल किया जाए, देवेंद्र फडणवीस अपना वादा निभाएं। इसीलिए जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात आई, अभी भी 14 पद रिक्त हैं, 14 पद जो इस मंत्रिमंडल विस्तार होने हैं, अजीत पवार चाहते हैं कि इसमें मेरी भागीदारी ज़्यादा हो, शिवसेना की हो और फिर बीजेपी की हो। ऐसे पर जो फॉर्मूला बीजेपी चाहती है कि हमारे कम से कम 10 मंत्री रहें, 2 अजीत पवार के रहें, 2 शिवसेना एकनाथ शिंदे के रहें, तो 14 होते हैं। लेकिन अजीत पवार चाहते हैं कि हमें कम से कम 4 से 6 मंत्रिपद मिलने चाहिए। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। अब आपने देखा कि आज डैमेज कंट्रोल के रूप में जो पालक मंत्री है, गार्जियन मिनिस्टर बनाए जाते हैं हर जिले के, उसमें पुणे की जिम्मेदारी अजीत पवार के दी गई। क्यों दी गई? दरअसल अजीत पवार चाहते हैं, जो जिम्मेदारी दी गई है इससे क्या होगा, लेकिन कुछ और अपडेट ले लेते हैं। अजीत पवार की नाराजगी की खबरों के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस नेता संजय निरुपम और शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने क्या कहा है। शिंदे के शिवसेना तोड़ने के बाद से उसके पास जो शिवसेना का वोट आना चाहिए, जो मराठी भाषियों का वोट आना चाहिए, वो वोट आता नहीं दिख रहा है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की अपनी रणनीति के तहत इस सरकार को तिलांजलि दे और शायद राष्ट्रपति शासन ले आए। महाराष्ट्र पॉलिटिकली बीमारू राज्य बीजेपी ने बना दिया। यहाँ सभी लोग बीमार हैं, किसी न किसी बीमारी जो पॉलिटिकल बीमारी होती है उससे त्रस्त और ग्रस्त है।
तो सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन जैसा कि मृत्युंजय बता रहे थे कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, तो चलिए महाराष्ट्र का नंबर गेम समझते हैं, क्योंकि उसके बाद ही समझ में आएगा कि प्रेशर कितना बढ़ सकता है। तो ये देखिए, कुल सीटें जो महाराष्ट्र विधानसभा में 288 हैं, बहुमत का आंकड़ा है 145। अब देखिए ये तस्वीरें, आप देखिए सरकार के साथ बीजेपी के 105 सीटें हैं, शिवसेना शिंदे गुट 41 सीट हैं, एनसीपी में अजीत पवार जब आए तो उनके साथ 40 विधायक हैं एनसीपी से, जब वो शिवसेना सरकार में आए। अन्य की जो संख्या है 18 है, ये बहुमत से 59 ज्यादा हैं। अब यहां पर आप समझिए, अगर शिंदे गुट हटा तो क्या होगा, बीजेपी 105 है, एनसीपी जो है अजीत पवार की 40 है, अन्य 18 हैं, बहुमत से 18 ज्यादा हैं, और राजनीतिक बयानबाजी इस तरफ इशारा कर रही है कि यहां पर तमाम चीजें बदल सकती हैं और कुर्सी का परिवर्तन भी हो सकता है, जैसा कि आपने सुना संजय राउत कह रहे थे। अपने सहयोगी नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, जिस तरीके की स्थितियां बन रही है, शिंदे फडणवीस दिल्ली आए तो क्या अजीत की नाराजगी को लेकर बात हुई, ऐसी कोई खबर है? निश्चित रूप में कहीं ना कहीं ये ऐसी आसार हो रहे हैं कि अजीत पवार नाराज हैं, लेकिन चूंकि जब भी कोई ऐसा मसला आता है तो दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के पास भारतीय जनता पार्टी के नेता भी और गठबंधन के दूसरे नेता भी आते हैं और चीज़ों को हल किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी सोर्सेस से जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार सब कुछ सामान्य है, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा है। लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो स्थितियाँ बता रही हैं, जो सरकम चांसेस हैं, उसके अनुसार भी कुछ कहा जा सकता है कि जिस शर्तों के साथ, जैसा मृत्युंजय भी बता रहे थे कि जिन शर्तों के साथ अजीत पवार ने गठबंधन में अपनी एंट्री की थी, उन शर्तों में कहीं ना कहीं अभी वो सारी चीजें पूरी नहीं हुई, चाहे वो केंद्र में भागीदारी को लेकर हो, यही बात या राज्य में अभी विपक्ष बढ़ चढ़कर कहने की कोशिश कर रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात कर लेते हैं सिक्किम की। सिक्किम में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। लाचेन घाटी में बादल फटने से बाढ़ आई और बादल फटने से आई तबाही में 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं सेना के 23 जवान समेत 40 लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया गया है। देर रात जिस तरीके से बादल फटा, उसके बाद नदी में उफान आया। लाचेन घाटी में बादल फटा था और उसके बाद देखिए किस तरीके के हालात बने हैं। और इस नदी के पास ही सेना का कैंप भी था और सेना के 23 जवान समेत 40 लोग लापता हुए हैं। तो सिक्किम में मौजूदा स्थिति की आप देखिए, नदी का रौद्र रूप दिख रहा है इस वक्त बादल फटने के बाद, और इसी नदी के सैलाब में 23 जवानों समेत 40 लोग लापता हैं, जिनको ढूंढने के लिए, बचाने के लिए, तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन आप देखिए हालात किस तरीके से हैं। तेज बहाव में जो सड़क थी वो कट गई और बह गई, और यही तेज बहाव है जो इस वक्त वहां पर संकट का सबसे बड़ा सबब बना हुआ है। और इसी बहाव में यह बताया जा रहा है कि 23 जवान समेत 40 लोग लापता हुए हैं। और आप देखिए ये जो बादल फाड़ तबाही हुई है सिक्किम में, ये बड़ी मुसीबत है। और ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो ब्रिज है यहां से इसको छूता हुआ पानी बह रहा है इस वक्त, यानी कि उफान पर है नदी। और लाचेन घाटी जो है सिक्किम की, वहां पर बादल फटने की जो घटना हुई उसके बाद भारी तबाही हुई, 5 लोगों की मौत हुई है, सेना के 23 जवान समेत 40 लोग लापता हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा हमारे साथ बनी हुई। मनोज्ञा, जिस तरीके के हालात इस वक्त सिक्किम में यहां बने हुए हैं, ये बताया जा रहा है कि सिक्किम से जुड़े हुए जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं वहां भी इस तरीके की उफान नदी का देखा जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी? देखिए तीस्ता नदी को अगर मैं कहूं कि तो सिक्किम की लाइफलाइन है, लेकिन जब लाइफलाइन ही जिंदगी लेने पर उतारू हो जाए तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही हो जाती हैं, इतनी भयावह कि त्रासदी का स्वरूप ले लेती हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ही मिनट पहले सिक्किम के मुख्यमंत्री से बातचीत की, पीएस गोले से, और उनसे वहां पर स्थिति का जायजा लेने को कहा और लगातार ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार की ओर से जो भी संभव मदद होगी वो दी जाएगी। लेकिन अभी आंकड़े बढ़ रहे हैं, 5 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और संख्या जो मिसिंग है उसकी बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा करोड़ों यानी कि सैकड़ों करोड़ों रुपए का पूरी तरह से नुकसान हो चुका है। 6 से ज्यादा डैम हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हैं, ऐसे कई ब्रिज हैं जो पूरी तरह से नदी लील गई है। लील गई जब मैं ये कह रही हूं तो इसका मतलब है कि दो इलाकों के बीच में कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर आपको सिक्किम के बारे में समझना है तो वो एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी कि वहां पर जाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ बागडोगरा के रास्ते से होके पहाड़ से होते हुए ही नेशनल हाईवे लेकर सिक्किम या गैंगटॉक तक जाना पड़ता है, जो कि रास्ता अब
बहुत बुरी तरह प्रभावित है। भूस्खलन की वजह से, लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से अब स्थिति को सामान्य आने में कई महीने लग सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि भयावह स्थितियां हैं। और क्या कुछ सिक्किम में हो रहा है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो भौगोलिक परिस्थिति आप बता रही हैं, उसके बारे में जरा बात करते हैं। सिक्किम में त्राही त्राही हो रही, क्योंकि भारी तबाही आई है। जो लोहनक झील के ऊपर बादल फटा, और देर रात जानकारी मिले कि बादल फटा, उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील है और यहां पर बादल फटने के बाद ये सैलाब की तबाही देखने को मिल रही है। लोचेन घाटी की तीस्ता नदी में बाढ़ आई, जैसा कि मनोज्ञा बता रही हैं कि तीस्ता लाइफलाइन है, लेकिन जब लाइफलाइन जान लेने पर आमदा हो तो फिर क्या होता है। कुछ सैन्य प्रतिष्ठान भी प्रभावित हुए हैं और यही बात निकलकर सामने आ रही कि 23 जो सेना के जवान हैं वो लापता हैं, उनके साथ साथ 40 संख्या पूरी लापता लोगों की है। सेना के 23 जवान लापता हुए हैं और इनको तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कुल 40 लोग हैं और इनको तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इनको ढूंढा जाए। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग सिक्किम से कट चुके हैं, क्योंकि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो उस तरीके से हैं, पहाड़ी इलाका है तो पूरा जो संपर्क है टूट गया है। सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और आप ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से गाड़ियां जो हैं वो मलबे में दबी हुई हैं। वहां पर जो गाद बहकर आई है उसमें आधी गाड़ियां डूब गई, और रिहायशी इलाका है। और आप देखिए, जो लोग बच गए वो अब इस वक्त मदद की तलाश में है। और आप ये देखिए, ये जो एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि लोगों को राहत पहुंचाई जाए और जो लोग लापता हैं उन्हें भी वक्त रहते तलाश लिया जाए, क्योंकि जैसे जैसे देरी होगी जिंदगी की जो उम्मीदें हैं वो टूटती हैं। मनोज्ञा, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो भौगोलिक परिस्थिति आप बता रही हैं, ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन भी करना कोई आसान नहीं होता, उसकी अपनी अलग चुनौतियाँ होती हैं। क्या सैलाब कम हुआ है या वैसा ही है? नहीं नहीं, सैलाब बिल्कुल कम नहीं हुआ है। अगले 3 दिन तक इस समय बारिश का फोरकास्ट है, यानी कि बारिश और पानी की जो स्थितियां हैं वो तो बद से बदतर होने वाली हैं। जब एक ब्रिज टूटता है तो उससे दो इलाके की सिर्फ लोगों की आपस में बातचीत नहीं बंद होती है, लेकिन पूरा टेलीकम्युनिकेशन ठप हो जाता है। ना व्हाट्सएप कॉल चल रहा है, ना नॉर्मल कॉल चल रहा है, और प्रशासन को सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम पर भरोसा करके चलना पड़ता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर किसी रेस्क्यू टीम को रवाना भी किया जाता है तो उसे बारिश होने के कारण एयर के जरिए, यानी कि एयर टू एयर ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से रास्ते लेने, और जब रास्ते ही नहीं बचे हैं तो फिर पहुंचेंगी कैसे रेस्क्यू टीम्स। ये एक बहुत ही संकीर्ण इलाका उस इलाके में पड़ जाता है, उत्तरी सिक्किम खासतौर से, क्योंकि उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तमाम दिक्कतें आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सिक्किम के हालात पर पीएम मोदी की नजर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के सीएम से बात की है, सीएम प्रेम सिंह तवांग से फोन पर बातचीत की है, और प्रधानमंत्री ने सिक्किम के जो मौजूदा हालात हैं उस पर जानकारी ली है, मदद का भरोसा भी दिया है। तो सिक्किम के हालात पर प्रधानमंत्री की नजरें बनी हुई हैं। सियासत को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर में है। जयपुर में नड्डा ने बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए सुझाव आपका संकल्प हमारा अभियान लॉन्च किया है। इस मौके पर नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला। नड्डा ने कहा, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, वो राज कैसा था? वायदे करो, बेवफा हो जाओ, भूल जाओ और फिर नए वादे लेकर अगले चुनाव में खड़े हो जाओ। नड्डा ने कहा कि मोदी जी ने संस्कृति को बदला और रिपोर्ट कार्ड की राजनीति शुरू हुई। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी। एक समय था, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया, और वो राज कैसा था? वायदे करो, बेवफा हो जाओ, भूल जाओ, जनता को नए लुभावने वाले नारे लेकर के अगले चुनाव में खड़े हो, यही संस्कृति थी। मुझे याद है, मैं लंबे समय तक एमएलए रहा, और उससे पहले का मुझे याद है, हमारे यहां जब चुनाव होता था तो कांग्रेस पार्टी के नेता चुनाव से पहले जंगलों में चूना लगवाते थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।